जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर रुबा और मेरे साथ मौजूद हैं ज़ुहैब अज़र। नाज़रीन, लाहौर कलंदर्स की स्पेशल बात जो मुझे लगती है और जो आप लोग फील करते हैं कि वी आर वेरी क्लोज टू द पीपल, क्योंकि हम या कलंदर्स जो कुछ भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने फैंस की वजह से, अपने लोगों की वजह से हैं। जो प्यार मिलता है जैसे मर्जी मैचेस जा रहे हैं, जैसे मर्जी लीग्स जा रही हैं, बट द बेस्ट थिंग इज वो रिस्पॉन्स, वो पैशन सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं है, वो कलंदर्स के लिए है, वो इन स्पेसिफिक लाहौर कलंदर्स के लिए। क्या कहेंगे ज़ुहैब? मैं तो ये कहूँगा कि फैंस ही हैं जिनकी वजह से ये टीम्स हैं और ये PSL है और ये क्रिकेट है, तो फैंस को इज्जत दो। ये शो मेरे ख्याल से फैंस के लिए है और ये सारी ट्रांसमिशन जो हम करते हैं ये फैंस के लिए होती है। हमारी अपडेट्स हो गई, हमारी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस सारी फैंस के लिए होती है, तो फैन का शो है, फैन का शो। और उसमें खास बात भी यही है, VIP गेस्ट हमारे साथ मौजूद होते हैं और यही बात है खास लाहौर कलंदर्स की कि वो हमेशा कुछ नया, कुछ डिफरेंट लेकर आते हैं। ना सिर्फ वो तमाम प्लेयर्स जिनको, जो कलंदर्स का पार्ट है, वो फैंस जिनकी वजह से हम सब हैं, सो हमारे साथ वो मौजूद होते हैं। और ऐसे फैंस जिनका सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है किसी ना किसी वे में, चाहे कोई वीडियोज है, चाहे कोई डिफेंड करने में है, चाहे हमारे सोशल मीडियाज पर, या फिर आउट ऑफ द वे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हमारे फैंस भी तो देते हैं। फैंस उन सजेशंस को बड़े गौर से मैनेजमेंट भी देखती है, प्लेयर्स भी देखती है, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग बहुत सारे अपने प्लान्स पुट इन करते हैं जैसे जैसे वो कहते हैं। सो इसी तरह हमारे साथ वी हैव अनदर, जैसे बात कर रहे हैं ज़ुहैब, एक VVIP, एक एक्सक्लूसिव फैन मौजूद है हु इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैंस, बिकॉज हम जहां हमारे सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिविटीज देखें उसको तो फॉलो करते हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत सारा इनपुट देते हैं, बहुत से पॉजिटिव वे में इनपुट देते हैं। सो कौन मौजूद है आज हमारे साथ? आज हमारे साथ मौजूद है, ट्विटर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और उनके ट्वीट पे बहुत से जितने भी फॉलोअर्स हैं कलंदर्स के वो भी इकट्ठे हो जाते हैं, तो अट्रैक्शन है उनके ट्वीट्स में। ऐसी क्या खास बात है, आई थिंक कि आज हम भी बात करके देखते हैं और हमारे जो देख रहे हैं फैंस उनको भी पता चले कि किस तरह बन जाते हैं बिगेस्ट फैन और किस तरह शामिल होते हैं इस वाली। और जो देख रहे हैं उनको मैं बताता चलूँ, आपके बीच में कमेंट्स भी आ रहे हैं, सभी यही क्लेम करते हैं कि हाँ मैं बिगेस्ट फैन। अगर आप बिगेस्ट फैन हैं तो एक्टिव रहिए। क्या, हाँ, ऐसा क्या इंग्रेडिएंट है कि वाकई हम भी मान जाएं कि आप हैं बिगेस्ट फैन, आप हैं कमाल के फैन। सो आज के फैन को अगर हम इंट्रोड्यूस, आज के फैन को इंट्रोड्यूस करते हैं, बहुत ही पढ़े लिखे समझदार नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं। इनका नाम है फखर आसिफ बाजवा। क्या हाल है आपका? माशाल्लाह, खूबरू नौजवान हमारे साथ बैठे हैं, तो आपको ट्विटर पे बहुत एक्टिव देखा, तो आज आपको लाइव अपने सामने देख रहा हूँ और फैंस भी आपको लाइव शो में देख रहे हैं, वो काफ़ी आपके भी फॉलोअर्स होंगे जो कि आपकी ट्वीट फॉलो करते हैं, तो कैसा लगा कलंदर स्टूडियो में आकर? बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, जिस तरह हम लाहौर को फॉलो करते हैं, लाहौर को सपोर्ट करते हैं, उस तरह लाहौर कलंदर एक वाही टीम है PSL की जो अपने फैंस को भी साथ लेकर चलती है, अपने फॉलो करते हैं हम आपको सीरियसली, मैनेजमेंट भी आपके ट्वीट देखते हैं, हम भी देखते हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। काफ़ी इंस्टेंस हुए, यस्मीन राणा साहब खुद मुझे रीट्वीट करते हैं, ट्वीट को लाइक करते हैं, फिर जब उनकी पेज पे जाते हैं तो थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स उसको फिर फॉलो करते हैं, तो काफ़ी खुशी होती है कि पॉजिटिव वे में एक अपना ब्रांड हमारा लाहौर कलंदर्स PSL उसको हम दुनिया के सामने पॉजिटिव वे में पेश कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत खुशी होती है। तो अब आपने बताना है क्रिकेट से इतना ज़्यादा लगाव कब से शुरू हुआ, खुद खेलते रहे हैं क्रिकेट? हाँ जी, क्रिकेट से तो बचपन से ही शौक था, स्कूल कभी बंक करके क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, कभी ट्यूशन बंक करके क्रिकेट, हमें रात रात तक छत पे, कभी सड़क पे क्रिकेट, हर वक्त टेबल, जैसे हमारे टेबल के क्रिकेट आम होती है सड़कों पे वो खेलते हैं। फिर जब से पाकिस्तान से क्रिकेट गई तो थोड़ा सा दुख हुआ कि हमें मैचेस देखने को नहीं मिल रहे, बिल्कुल उससे पहले हम कजाफी में, रावलपिंडी, मुल्तान मैचेस देखने जाते थे, हम लोगों की एक एक्टिविटी थी, तो काफ़ी सेटबैक हुआ पाकिस्तान के लिए भी। फिर कोशिश की गई बोर्ड की तरफ से मैचेस पाकिस्तान में कराए जाएं, थोड़े बहुत हुए, अब इस साल PSL पूरा पाकिस्तान में आ रहा है और इससे बड़ी कोई, मैं कहता हूँ, खुशी की बात नहीं पूरा है। PSL पाकिस्तान followers for all the fans, एक्साइटमेंट का अपर लेवल जिसे कह सकते हैं, मैक्सिमम पे हम जा चुके हैं और अब थोड़े से दिन बाकी हैं PSL में, और तैयार हैं इस बात का, आप तैयार हैं? तैयार हैं,
बिल्कुल तैयार है। क्या तैयारी है ये बताइए। हमने टिकट्स ले चुके हैं, सबसे जो हाइप है वो मैं कहता हूँ लाहौर बसेस कराची है ना। मैं कल भी किसी से बात कर रही थी एंड एवरीबॉडी इज सुपर एक्साइटेड अबाउट दैट इन स्पेसिफिक मैच। और हम ये बात कर रहे थे सारी टीम्स सारी एक तरफ एंड व्हाई इज दिस सच अ स्पेशल मैच। ये बस राइवलरी चल रही है और सोशल मीडिया ने एक इसको हवा सा बना दिया और वो फिर मुकाबले चल पड़ते हैं, मीम्स बन खानों पे भी कंपैरिजन होते हैं, उनका समुंदर आ जाता है, हमारा मीनार पाकिस्तान आ जाता है, हमारा रावी आ जाता है, रावी आ जाता है, तो बस ये उनकी बिरयानी आती है तो हमारा क्या आता है, पाए पाए आ जाते हैं, सिरी पाए और बॉम्ब चने है बड़ी। ये एक हेल्दी डिस्कशन है, इसको उतने लेवल तक ही राइवलरी रखनी चाहिए। ये आखिर में तो फाइनली पाकिस्तानी है, ऐसे ही है, शहरों की तफरीक इतनी खास नहीं होती, लेकिन क्रिकेट की कंपटीशन के लिए अगर थोड़ा बहुत अगर सिटी को ऑन कर लिया जाए तो सिटीज भी तो पाकिस्तान की है ना, तो वो अच्छी चीज है। अब ये बताइए एज अ फैन कितने एक्साइटेड हैं आप, तमाम जितने भी फैंस हैं वो हर सिटी के जो फैंस हैं या हर टीम के जो फैंस हैं उनकी नजरें सारे लाहौर कलंदर के फैंस पे हैं और वो बड़ा सोचते हैं कि लाहौर की टीम को 8 मैचेस लाहौर में मिल गए हैं, तो आप कितने एक्साइटेड हैं? अब वो तो कुछ सोचते होंगे, ख्वाहिश तो सबकी है कि सारी टीमों को अपने होम मैचेस ज्यादा से ज्यादा मिलें, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं उसके साथ साथ आगे उनको भी वो मैचेस मिलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता एक प्रोसेस चल रहा है क्योंकि क्रिकेट पहली दफा PSL पूरा पाकिस्तान में आ रहा है। आपको कैसा लगा लाहौर में मैचेस, 8 मैचेस लाहौर कलंदर के होंगे? ऐसे ही है, लास्ट टाइम मैं याद पड़ता है कि शेड्यूल थे 3-4 मैचेस लाहौर, लोगों ने टिकटें खरीद ली, लोगों ने, मैं कहता हूँ मैंने खुद AB डी विलियर्स का मैं सबसे बड़ा फैन मैं कह सकता हूँ, मैं टिकट्स शुरू में ले ली थी कि AB को देखेंगे, पहला दुख हुआ AB इंजर्ड हो गया वो नहीं आ सका, दूसरा दुख हुआ लाहौर से मैचेस चले गए, तो बस वो शौक ही था एक तरह से कि लाहौर में क्यों नहीं हो रहे मैचेस, हम इतने प्रिपेयर थे इतने एक्साइटेड थे। तो अब जब PSL इसका शेड्यूल आया और हमने देखा कि मैक्सिमम मैचेस लाहौर के लाहौर में, ऐसी दुआएं की तो एकदम से पिछले साल की यादें वापस आ गई कि हम दोबारा से वही एक्साइटमेंट वही वलवला वो जोश के हम अपनी टीम को देखेंगे सपोर्ट करेंगे। इस दफा तो आया PSL अपने मुल्क में अपने शहर में मैक्सिमम, सो पिछले 4 PSLs में आपकी और लाहौर कलंदर्स की कैसी रही अंडरस्टैंडिंग या फिर जहां जहां मैचेस थे कैसे फॉलो किया, कैसे सपोर्ट किया, कैसे डिफेंड किया, ये खास तौर पर पूछूंगी। डिफेंड इस तरह किया कि दिल तो लाहौरी है, खुद भी लाहौरी है, तो लाहौर के अलावा किसी को सपोर्ट करने का तो सोच भी नहीं सकते, तो जहाँ जिस फोन पे भी बात हुई हमने डिफेंड ही किया कि कोई नहीं इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर ड्राफ्ट में बेहतर करेंगे। पहली पिक भी हालांकि हर साल हमारी आती थी, प्लेयर्स भी हमारे सबसे बेहतर आते थे, लेकिन ड्रॉबैक्स हो जाते थे, कुछ प्लेयर्स इंजर्ड होते थे, सेकंड लास्ट टाइम क्रिस लिन इंजर्ड हो गए, लास्ट टाइम हफीज इंजर्ड हो गए, पहले फिर लंबी लिस्ट ही थी, AB इंजर्ड हो गए, फिर उनकी रिप्लेसमेंट आई वो भी इंजर्ड हो गई, हर साल ही तकरीबन चलती रहती है, कुछ ना कुछ होता रहता है, तो दुख पहुंचता रहता है कि जिस टीम को इतना सपोर्ट कर रहे हैं वो डिलीवर नहीं कर पा रही, लेकिन जब हम देखते हैं कि पूरा साल जो एक टीम एक्टिव रहती है 6 टीमों में से वो है लाहौर कलंदर्स, जब PSL एंड नहीं होता तो हम अगले PSL की प्रेप शुरू कर देते हैं, इसके अलावा प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, स्क्रैप से प्लेयर्स उठा के उन्होंने इंटरनेशनल लेवल तक प्लेयर लेके जा चुके हैं, हारिस स्टोव की मिसाल हमारे सामने है, फाइनल में जा चुकी है उनकी टीम BBL, मैं कहता हूँ पूरा BBL देखा इस वजह से है कि हारिस हमारा खेल रहा था, नो डाउट, और फिर हारिस आग वापस आया तो दिलबर ने उसकी जगह ले ली, और दिलबर ने आउट किसको किया, AB डी विलियर्स को, क्या बात, इससे मैं कहता हूँ बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती, बड़ी उनके लिए खुशी की बात नहीं है कि एक दुनिया का बेस्ट लेवल का बैट्समैन और उसको आप आउट करें, तो मैं कहता हूं कि लाहौर ना सिर्फ PSL की हद तक बल्कि पूरे पाकिस्तान को एक तरह से सपोर्ट कर रही है जो कि बाकी फ्रेंचाइजीज में नजर नहीं आ रहा है, एक तरह से वो सिर्फ एक्टिव रहती हैं PSL के और बाकियों को भी इसी तरह के काम करने चाहिए, उससे फायदा पाकिस्तान को हमें देखना चाहिए, हमने PSL को तो है एक महीना है हमारे लिए, हमें उसके अलावा बाकी 11 महीने तो पाकिस्तान के लिए,
हमें उस एक महीने के बजाय 11 महीनों का भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को क्या फायदा हो रहा है। सो थ्रू आउट द ईयर जैसे आप बात कर रहे हैं 11 महीनों की, कितना फॉलो करते हैं, कभी सोचा पार्ट बने का? बिकॉज यू योरसेल्फ जस्ट सेड कि आप क्रिकेट लवर हैं, आप क्रिकेट खेलने में भी एक्टिव हैं, सो यू हैव एनी प्लान्स या फिर कभी ट्राई किया या किस क्या सोचते हैं? ट्राइज के लिए ट्राई किया था लेकिन मैं थोड़ी मसरूफियत की वजह से जा नहीं सका, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह 2-3 मंथ्स बाद दोबारा एक दफ़ा ट्राई करूँगा इंशाल्लाह। अगर अल्लाह ने मौका दिया तो लाहौर को जैसे बाकी प्लेयर्स बिल्कुल आ रहे हैं जिनका दुनिया नाम भी नहीं सुना होता, उनको लाहौर लेकर आता है, उनको अपने साथ पूरा साल रखता है, ऑस्ट्रेलिया के टूर करवाता है, दुबई के टूर्स करवाता है, और फिर दिल में एक उमंग तो उठती है कि कभी हम भी इस लेवल पर जाएंगे, तो उम्मीद तो है कभी। एक टाइम पे आप जब अबू धाबी T20 लीग जीते लाहौर कलंदर, तो उस वक्त क्या फीलिंग थी आप? उस वक्त तो मैं बयान नहीं कर सकता, जो टीम गई थी उस टीम को देख के आपने क्या सोचा था कि ये जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? जब जीत गए उस वक्त क्या सोचा? नहीं, एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी नहीं थे। पास्ट 3 ईयर से हम जैसे PSL में परफॉर्म करते रहते, उस लिहाज से तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। दूसरी, इतने स्टार स्टडीड टीम भी नहीं थी हमारी। अगर हम बाकी जो टीम्स थी उनमें हुबार्ट की टीम थी, साउथ अफ्रीका की एक जो चैंपियंस टीम थी, उनके साथ हमारे मैचेस थे, उनमें LB मॉर्कल, मॉर्ने मोलकर टाइप के प्लेयर्स थे, मॉरिस भी था, तो तब उनके साथ मुकाबले थे। और जिस तरह सुहेल अख्तर ने सेंचुरी बनाई, कैप्टेंसी कैसी लगी? वो भी कैप्टेंसी, उसका भी मैं पूछूंगा। कैप्टेंसी एक्सेप्शनल थी क्योंकि आप एक सादा सी टीम, हमारी सारे प्लेयर्स तकरीबन PTB के थे, कोई इंटरनेशनल प्लेयर इस तरह का नहीं था। शाहीन ने थोड़े बहुत मैच खेले हुए थे और हारिस बिल्कुल नया नया आया था, तो जो डेथ बॉलिंग मैंने उधर देखी शाहीन की और हारिस की, मेरा तब से हारिस पे तो कह लें दिल आ गया। मैं कहा हारिस बस लाहौर में आ जाए किसी तरह, उसके बाद उसके रास्ते खुलते जाएंगे। और उसके बाद PSL का सफर शुरू का, उसने जो कराची के खिलाफ बॉलिंग की, 4 आउट किए, 20 ओवर रन्स दिए थे, एक्सेप्शनल बॉलिंग, और फैन समझने हो गया मैं हारिस का, हारिस के फैन हो गए। अच्छा, आप बात करते हैं टीम की, इस साल की जो टीम सिलेक्शन हुई है, तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन, अबू धाबी का आपने जिक्र किया, उसमें चैंपियनशिप मिली, कैप्टन सुहेल अख्तर थे, इस दफा जी PSL की टीम के आपके लाहौर कलंदर के कैप्टन सुहेल अख्तर हैं, क्या कहेंगे, कैसा डिसीजन है, सुहेल के बारे में आपके क्या ख्याल है? सुहेल को नेक ख्वाहिशात का इजहार ही करूँगा और बेस्ट ऑफ लक कहूँगा। जिस तरह पहले उन्होंने बिल्कुल, उन्हें कोई नहीं जानता था, सब अबू धाबी T20 से ही नाम सामने आया सुहेल अख्तर का, और उन्होंने डिलीवर किया, चैम्पियनशिप जितवाई लाहौर को, पूरी दुनिया में नाम रोशन किया। फिर हमारे उम्मीद थी कि वो T10 जो अबू धाबी थी उनमें भी हमारे कैप्टन सुहेल नहीं होना था, लेकिन वो कुछ इशू हो गया है नसीब वगैरह का, तो उनमें हम उनको हो जाता तो बेहतर होता, उनको जज भी किया जा सकता था एक हाई लेवल पे। अब PSL के कैप्टन हैं, पूरी टीम को फॉरनर्स भी हैं, तो उनको साथ लेके चलना है, तो टीम हमारी बैलेंस है मैं कहता हूँ, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा क्योंकि हफीज़ भी हैं, हफीज़ उनको साथ गाइड करते रहेंगे। बिल्कुल, सीनियर्स की तो गाइडेंस साथ साथ ही जरूरी है। और टीम आपको बैलेंस लग रही है? बैलेंस है। बॉलिंग डिपार्टमेंट कैसा लग रहा है? बॉलिंग तो सारी टीम से बेहतर है, हारिस के आने से, शाहीन है, दिलबर अब BBL खेल चुका है, और शिमवारी ट्रेड हुआ था, तो बॉलिंग तो मैं कहता हूँ सबको फास्ट बॉलर का रोस्टर तो कंप्लीट लग रहा है, कहता पूरे वही हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्पिनर्स पे आते हैं, स्पिनर्स सरप्राइजेस भी हैं, कुछ सरप्राइजेस जिसको कलंदर फैन कहते हैं ना क्रिटिकली देखता रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए नया होगा वो, माज खान निकाल रहा है, अरे बंदा हमारा, और एक जो ऑस्ट्रेलिया से भी होकर आए फरजान राजा, उनके बारे में क्या कहेंगे? फॉलो करते रहे उनकी क्रिकेट? उनको अबू धाबी में देखा था मैंने, और मास को देखा था, मास ने तो बहुत एक्सेप्शनल बॉलिंग की थी, मेरा शुरू तब से ही दिल था कि वो भी। आप एज अ कोच, अगर मैं आपको कोच बनाता हूँ, हमने एक कॉन्टेस्ट किया था, हमारे जो ट्राइज होते थे हम कहते थे बिकम अ सेलेक्टर, सही से, सो बिकम अ कोच, हेड कोच फखर साहब आप हेड कोच हैं, आप बताइए क्या माज में क्या आपको कैपेबिलिटीज नजर आ रही हैं, कहाँ यूज किया जा सकता है माज के टैलेंट? मैं माज को पावर प्ले में काफ़ी अच्छा यूज़ किया जाता है, उसको एक गूगलीज रीड करना जो मुझे लग रहा है काफ़ी मुश्किल है, जो हमने अबू धाबी T20 में देखा था,
तो काफ़ी इकोनॉमिकल भी रहे थे, प्रॉब्लम में बॉलिंग की थी उन्होंने और विकेट्स लेके दी थी। एक और बहुत अंडररेट कर रहे हैं हमारे फैंस भी, जो हमारी इंटरनेशनल साइनिंग है सीकू के प्रसन्ना, सीखू के प्रसन्ना। उसको बहुत अंडररेट किया जा रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो बेस्ट बॉलर बन सकते हैं PSL के। उनको जब हमने देखा T10 लीग में, आप दूसरे बॉलर्स इंटरनेशनल बॉलर्स के इकोनॉमी रेट आप देख लें 9, 10, 11, और एक हमारे सीकू के प्रसन्ना थे अंडर 6, पूरा टूर्नामेंट उनका खेला अंडर 6 का इकोनॉमी रेट था, और स्ट्राइक रेट उनका देखें 160+। तो ऐसा ऑलराउंडर हमारे पास है बेहतरीन। जिसको अभी फैंस पहचान नहीं पा रहे, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर बहुत चल गए अपने पोटेंशियल के मुताबिक खेल गए तो सिंगल हैंडेडली वो लाहौर को मैचेस जितवा सकते हैं। वाह जी वाह, आप तो माशाल्लाह यार, जो तजियाकार भी है बहुत ना, अच्छे हैं, सही वाले कर रहे हैं। और इसके अलावा एनालिस्ट हैं आप, एनालिस्ट के अलावा अभी हम यही बात कर रहे थे कि इनके सार्कैज़्म जो है ये तनकीद भी करते हैं और इन सार्कास्टिक वे करते हैं, व्हिच इज एक्चुअली अ डिफरेंट एंड अ न्यू एंड इन इंटरेस्टिंग थिंग। सो अब अगर किसी पे, अगर मैं आपको कहूँ अभी बैठ के किसी भी प्लेयर के ऊपर करना चाहें तो इन व्हाट वे कैसे करेंगे आप? प्लेयर्स पे वैसे तो हमें सपोर्ट ही करना चाहिए चलें वैसे जी का PSL सर पे है और कुछ दिन रह गए हैं, सारे प्लेयर्स अपने हैं और सबको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा सपोर्ट तो आपका दिल, मैं कहूंगा नहीं, आपने कहना लाहौर भी लाहौरी है, लेकिन अभी आई जस्ट वांट यू कि आप किसी ना किसी तरह कोई करें किसी के ऊपर सार्कास्टिक तनकीद। सार्कास्टिक एक जो पिछले साल से दुख एक चल रहा है वो है मूसा की इंटरनेशनल डेब्यू को लेकर, क्योंकि समझ नहीं आता वो किस तरह इंटरनेशनल खेल गए। फिर इसको कंटिन्यू करते हैं, मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ। एक डॉक्टर साहब, आपने उनसे ये चीज तो मांग ली, आपको क्या लगता है कि हमें अपने शो में कोई, हमने सरप्राइजेस तो हमेशा दिए हैं, तो फखर ने बात की थी मैं सोच रहा था कि काफी लोगों ने कहा कि यार हमारे लिए सुहेल नहीं है, लेकिन सुहेल के लिए इनके जो जज्बात नजर आ रहे हैं, इन्होंने सुहेल को क्रिटिकली बड़े अच्छे तरीके से एज अ प्लेयर भी देखा है, एज अ कैप्टन भी देखा है, तो ख्वाहिश तो सबकी होती है कि प्लेयर से डायरेक्टली पूछें कुछ, मतलब बात होती है ना, हम पूछें उनसे कि आप इस दफा क्या करने वाले हैं या क्या होगा। सो एक चीज मैं बताने वाला हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पर एक ऐसा सरप्राइज मिलने वाला है फैंस को और फखर को भी, तो वो सरप्राइज ऐसा होगा कि कोई, आप गेस कर सकते हैं कोई चीज, अगर आप गेस भी ना करें मेरे ख्याल से वो कुछ भी हो सकता है। हमने अपने फैन के लिए एक नया तरीका ढूंढा है, अब हम सरप्राइज लेकर आ रहे हैं और आपकी स्माइल और आपकी आंखें बता रही हैं कि आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि उनको होने क्या वाला है, मेरे कुछ साथ होने वाला हो रहा है कि कैप्टन कलंदर, कैप्टन कलंदर की बातें आप कर रहे थे इतनी, आप मुझे थोड़ा सा कैप्टन कलंदर का और बताइए, आप वो चीज ऐसी एक्सप्लेन करें जो कि फैंस को ना बताओ और आप उन्हें बता सकेंगे कैप्टन कलंदर में ये चीज है। कैप्टन कलंदर एक मल्टी टैलेंटेड हम कह सकते हैं क्रिकेटर हैं, हमने देखा कि ओपन जब आते हैं तो वो सेंचुरी मार जाते हैं, जब वो सिक्स डाउन आते हैं तो आपको 15 बॉल 30 करके दे देते हैं, तो मल्टी टैलेंटेड वो एज ओपनर भी यूज हो सकते हैं, एज फिनिशर भी यूज हो सकते हैं, एज कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हम उनको बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं, उनमें कैपेबिलिटीज हैं कि वो लाहौर की टीम को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। जैसे अब लाहौर की टीम लास्ट आती जा रही है 4 सीजन से, तो एक वक्त आना है कि वो फर्स्ट आती रहेगी और लोग भूल जाएंगे कि हमने कैसे फर्स्ट आना है। बिल्कुल, 4 सीजन लास्ट आए हैं तो 4 सीजन फर्स्ट भी आ सकते हैं, क्या बात है। इजी। अच्छा, यहाँ पर मैं एक कमेंट जरूर शामिल करना चाहूंगी, रिहान खान का ने कमेंट किया और मैसेज किया है, तो आई फेल्ट कि उनका जो देख के मुझे नजर आया कि दैट द फैन इज वॉचिंग फ्रॉम द इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, के वो वहां बात कर रहे हैं कि हमारे फैंस वहां से भी बैठ के हमारी ट्रांसमिशन, से ही एक फैन स्पेशल आए थे, शायद आपने फॉलो किया और ट्रायल्स को, वो ट्रायल देने आए थे, वो टूर्नामेंट भी खेल के गए थे कश्मीर में, आजाद कश्मीर में हमारा टूर्नामेंट हुआ था PDP प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो उसका हिस्सा बने और उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, और भी वो भी आपकी तरह ट्विटर पे बहुत ज्यादा एक्टिव है। सही सही। एक तो हमारे प्लेयर आए थे सलमान, सलमान शाह, तो वो आजाद जम्मू कश्मीर, ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से बात हो रही है, सो इसलिए दैट्स व्हाई आई जस्ट wanted to mention that specially and specifically because I just loved this thing, the support के कहाँ से लोग देख रहे हैं और वहाँ से भी लाहौर को, जिन players की अभी तक बात नहीं की जैसे समित पटेल, इनके बारे में आपके क्या ख्याल है? समित पटेल शुरू से ही
PSL का तो हिस्सा रहे, नो हाउ है उनको PSL किस तरह, जो उनके सीजन गुजरे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, तो अब वो हिस्सा है लाहौर कलंदर के, काफी बेहतर है। उन्हें स्ट्रगल थोड़ी करनी पड़ेगी परसंदा, और उनका थोड़ा पड़ेगा मैच के कौन प्लेइंग लेवल में आएगा। तो आई विल रेट परसंदा अबव हिम, क्योंकि वो थोड़ा इनटू क्रिकेट भी हैं, थोड़ा यंग भी हैं। समित पटेल का फिटनेस लेवल का भी थोड़ा देखना पड़ेगा, अभी रिसेंटली वो बिग बैश खेल रहे थे मेलबर्न से। चलते चलती डिस्कशन में आपको कैप्टन भी बना रहा हूँ, बिकम अ कैप्टन। एज अ कैप्टन आप कौन सी टीम लेके जा रहे हैं पहले मैच में, आप बने कैप्टन लाहौर कलंदर के? मैं ओपन विद लैंडल सिमंस एंड फखर, वन डाउन क्रिस लेन, देन हफीज, सुहेल अख्तर। सुहेल अख्तर को कौन सी पोजीशन पे चाहेंगे? सुहेल अख्तर फाइव पे एज फिनिशर। वो आपकी बात मान लेंगे अगर, हाँ कैप्टन बनाया है ना, कैप्टन बनाया तो उसको माननी पड़ेगी। वो कैप्टन नहीं है अभी, आप कैप्टन है। तो सुहेल अख्तर को कौन सी पोजीशन में देखना चाहेंगे? 11 गाइस हूं अभी, कहां देखना चाहेंगे सुहेल अख्तर को? मैं 5 पे देखना चाहूंगा, क्योंकि ओपनर्स हमारे पास हैं पहले, सिमंस भी ओपन है, फखर भी ओपन है, लिन भी ओपन वन डाउन तक। चलें फैंस भी देख लें, वो उन्हें बता ही दें डायरेक्टली, सुहेल अख्तर को बता दें कि वाह 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 एंट्री होगी जी, एंट्री कैप्टन कलंदर की एंट्री हो गई है। तो अब ये मैंने सर ये आपकी आपकी इजाजत से मैं इनको ना मैं थोड़ी देर के लिए कैप्टन बनाया, मैं क्या फैन को कैप्टन फील देते हैं, तो वो टीम की बना रहे थे तरतीब, तो आपका नंबर वो अभी बता ही रहे थे, तो अचानक आपकी एंट्री हो गई, ये सरप्राइज सरप्राइज हो गई। एग्जैक्टली, तो कैसा लगा जी सुहेल साहब? कैसे हैं आप? लक्ष्य आपको जबरदस्त। फैंस हमेशा किसी भी प्लेयर्स के लिए या टीम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं हम एज अ प्लेयर ग्राउंड में। तो बहुत मज़ा आया कि इनको यहाँ देख के, आपका भी थैंक यू, और इसी तरह हम सपोर्ट करते रहें, और इंशाल्लाह इस दफ़ा हम आपको मायूस नहीं करेंगे, जिस तरह अबू धाबी कप में हम खेले, और बहुत मज़ा आया कि ट्रॉफी उठाई है हमने, और फैंस आज तक उसको मेरा ख्याल है कि एक एक बाल उनको याद है। तो इंशाल्लाह इस PSL को भी हम आपके लिए स्पेशल, थैंक यू सुहेल भाई। और ये सरप्राइज था, ये सरप्राइज था, और एकदम फखर के एक्सप्रेशन अगर कैमरा दिखा सके तो वो शॉक हो गए कि मैं जिस क्या, मैं तो कैप्टन बना था, मैंने सुहेल को अभी 5 नंबर खिलाया तो वो पहले ओपनिंग पे आ गया। ये सुहेल जाते जाते वो सरप्राइज देना चाहते हैं, थैंक यू सुहेल भाई आपने। इसी तरह फैंस को हम सरप्राइज देते रहेंगे, और फखर को सरप्राइज मिल चुका है, और फखर खुद सरप्राइज हो चुके हैं, सरप्राइज नहीं मिल सका, फखर जमान फीलिंग में आ गए हैं, क्योंकि अचानक उन्होंने अभी टीम कंटिन्यू करेंगे आप एज अ कैप्टन, अगर आप कैप्टन है लाहौर कलंदर के, तो 5वें भी आप चाह रहे हैं सुहेल अख्तर, सुहेल अख्तर उसे नेक्स्ट, उसे नेक्स्ट बेन डंक हमारा विकेट कीपर बैट्समैन, और उसके बाद परसन्ना, 3 फॉरनर्स, और फिर आएगा हमारे मास खान को इमर्जिंग में, हम अगर ले आए मास खान आ जाएगा इमर्जिंग एज, फिर शाहीन है, उस्मान है, शिवारी और हारिस लोग। चले जी, आपने टीम कंप्लीट की, मैंने क्योंकि कैप्टन को रोकना नहीं चाहिए, तो जो रियल कैप्टन कलंदर अचानक आए थे, तो उस वक्त आपने सोचा था कोई ऐसी चीज हो सकती है? क्योंकि मैंने थोड़ा सा आपको क्लू देने की कोशिश की थी, कोई सरप्राइज आने वाला है, तो क्या जहन में चल रहा था अचानक सुहेल को देख के, क्या हुआ मतलब असली कैप्टन? हाँ। तो आपको थोड़ी देर के लिए कैप्टन बनाया था, वो ओरिजिनल कैप्टन आ गए, तो क्या फीलिंग थी? थोड़ा सा आइडिया हो रहा था आपकी बातों से सुहेल की एंट्री हो सकती है, पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना बड़ा सरप्राइज मिलेगा। काफी खुशी हुई उनसे मिलके, और उम्मीद करते हैं उनको वेल विशेज हैं कि वो लाहौर को इंशाल्लाह ट्रॉफी दितवा के लाएंगे, जैसे अबू धाबी ट्रॉफी दितवाई थी इंशाल्लाह। बल्कि यहाँ पर तनवीर अहमद साहब ने मैसेज भी किया उससे उन्हीं के लिए, सुहेल के लिए, कि सुहेल अख्तर अच्छा हार्ड हिटर बैट्समैन है, और सुहेल भाई किसी भी वक्त जो है मैच का रुख चेंज कर सकते हैं, सो दैट इज एक्चुअली। आप एग्री करेंगे इस बात से? बिल्कुल, मैं लास्ट ईयर मैं फॉलो जब कर रहा था PSL को, तो पहले शुरू के मैचेस में सुहेल ओपन आए थे और काफ़ी अच्छा खेले थे, तो तब थोड़ा अजीब लगा कि उनको हम फिनिश क्यों करवाना चाह रहे हैं, उनसे फिनिशर एज रोल क्यों करवाना चाह रहे हैं। तो जब वो उन्होंने डिलीवर भी किया कुछ मैचेस, तो इनकी एबिलिटीज का भी पता लगा कि फिनिशर कर सकते हैं। और लेकिन अब इस साल की बात की जाए तो हमारे पास ओपनर्स क्योंकि हैं, 2 से 3 ओपनर्स हैं, तो सुहेल अख्तर को अपना रोल मेरे ख्याल में फिनिशर ही एज डिफाइन करना चाहिए,
कैप्टन हैं लेकिन कर तो कुछ कुछ भी सकते हैं लेकिन अब कैप्टन अच्छा ये है कलंदर्स को अपने कैप्टन को देखते हो जो पीछे चलते आ रहे हैं सिलसिला चलता आ रहा है उसको देखे आपने जो लाइन बोली है कुछ भी कर सकते हाँ कैप्टन है कर तो कुछ भी सकते हैं तो एग्जैक्टली और लाहौर कलंदर्स की भी बात करें तो वो तो कभी भी कुछ भी सकता है कुछ भी हो सकता है ना इट्स ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजेंट लेकिन प्रेडिक्शन आ गई है फखर की तरफ से प्रेडिक्शन ये आई है कि लाहौर कलंदर अगर टॉप स्पॉट पे आ गई तो फिर हटाना मुश्किल होगा क्योंकि चार सीजन गुजरे हैं और वो पोजीशन एक बरकरार रही है तो लेकिन जब वो पोजीशन चेंज होके टॉप पे आनी है तो फिर फैंस का कहना है फैंस पुख्ता है इस है ना ज़बाने खल्क नकारा है खुदा है तो कहते हैं तो लेट्स सी चलें जी सुहेल के सरप्राइज के साथ हमने आपको एक गिफ्ट दिया है जो कि आपको सारी जिंदगी याद है कैप्टन कलंदर जिसका आप जिक्र कर रहे थे वो आपके साथ अचानक आके बैठ गए और आपने सोचा भी नहीं होगा ये सरप्राइज था तो इस तरह के सरप्राइजेज हम अपने फैंस के साथ उनको दिखाते रहेंगे उनको देते रहेंगे वो सरप्राइज लेकिन एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है लाहौर कलंदर की टीम की तरफ से और स्पेशली कैप्टन कलंदर वो ये हमें देते गए हैं कि ये फखर को जरूर दीजिएगा क्योंकि फखर हमारे शो में आए हैं तो प्यार से मैं कहूंगा फखरू जी आपके आने का ट्विटर पे इनको फखरू कहते हैं तो ये ले जी ये आपके साथ जाएगा गिफ्ट हैम्पर लाहौर कलंदर की तरफ से और कैप्टन कलंदर की तरफ से तो सुहेल अख्तर की एंट्री का हमें बड़ा मजा आया अचानक टीम ने प्लान किया जो एक्सप्रेशंस थे ना दे वर प्राइसलेस एंड आई रियली एंजॉयड इट क्योंकि आके वैसे तो सुहेल ने संभाल लिया बट उस वक्त अगर हम इधर बोलने का मौका देते तो पोजीशन चेक करने मैंने कैप्टन बनाया था फखर को थोड़ी देर के लिए वो कैप्टन क्यों पोजीशन डिफाइन हो रही थी कैप्टन का मुकाबला कैप्टन आ चुके सुहेल की पोजीशन डिफाइन की सुहेल ने अपनी पोजीशन डिफाइन कर दी नहीं जी मैं ओपनिंग कर हां बिल्कुल उन्होंने कहा कि हैं तो कैप्टन कर तो कुछ भी सकते हैं तो इसलिए उन्होंने कर दिखाया वंस अगेन चलें जी अब है कि फखर से लेते हैं इजाजत फखर इसी तरह ही आप फॉलो करते रहिए फॉलो करते रहें और आपको कलंदर्स प्लेटफॉर्म से बहुत से सरप्राइजेस मिलते रहेंगे और कुछ दिन रह गए हैं पीएसएल आने में और लाहौर कलंदर का पहला मैच है 21 तारीख को रात को मुल्तान के खिलाफ और क्या मैसेज देंगे आपके मैसेज पे कंक्लूड करेंगे शो को फैंस को क्या कहना चाहेंगे जो लाहौर में मैच देखने आ रहे हैं फैंस को यही पैगाम है कि सपोर्ट करते रहे आपकी सपोर्ट की ही ज़रूरत है इन प्लेयर्स को एंड तक सपोर्ट करने की जरूरत है ये नहीं कि दो तीन मैचेस किए आप रिजल्ट नहीं मिले तो आप अपना टीम चेंज कर ले नहीं आप एक लॉयल्टी भी एक टर्म होती है आप उसको कंटिन्यू रखें इंशाल्लाह रिजल्ट्स इस बार डिलीवर होंगे मैं दिल कहता है कि इंशाल्लाह इस बार हम कुछ करके दिखाएंगे जाते जाते मैं हूँ कलंदर दिल से दिल आपसे सुनना चाहूँगा मैं हूँ कलंदर दिल से दमादम मस्त दमादम मस्त कलंदर खुदा हाफिज जी मिलेंगे आपको नेक्स्ट शो में